फ्रेंड्स, हमने अपने आसपास दूध के टैंकर्स, पानी के टैंकर्स या अन्य लिक्विड के टैंकर्स तो ज़रूर देखे होंगे, पर क्या हमने कभी गौर किया है कि ये टैंकर्स हमेशा ज़्यादातर सिलिंड्रिकल होते हैं, गोल ही होते हैं ज़्यादातर ये। लिक्विड के अलावा बाकी चीज़ों के जो कंटेनर होते हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर तो रहते हैं, लेकिन लिक्विड के कंटेनर कभी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नहीं होते, वो ज़्यादातर सिलिंड्रिकल ही होते हैं। तो आखिर इसके पीछे कोई रीज़न है या फिर ये ऐसे ही होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। तो फ्रेंड्स, लिक्विड के कंटेनर को सिलिंड्रिकल बनाने का पर्पस ये होता है कि वो एक सिंगल सीट के माध्यम से बन पाए, उसमें कोई भी जॉइंट ना आ पाए और वो एक कॉन्टिन्यूस शेप में आ पाए। इसलिए ज़्यादातर टैंकर्स को, जो लिक्विड के टैंकर्स होते हैं, उन्हें सिलिंड्रिकल बनाया जाता है, क्योंकि जब टैंकर्स क्यूब या क्यूबॉइड शेप के होंगे तो ज़रूरी है कि उसमें जॉइंट तो होंगे ही होंगे। और फ्रेंड्स, जॉइंट्स जितने ज़्यादा होंगे लिक्विड के उतने ज़्यादा रिसने के चांसेस भी होंगे, क्योंकि लिक्विड के ट्रांसपोर्टेशन के वक्त तो उसे न जाने कितने सारे हर्डल्स को क्रॉस करने पड़ते होंगे, और क्या पता किस हर्डल को क्रॉस करने में किस जॉइंट पे प्रेशर बढ़ जाए और वहाँ से लिक्विड रिसने लग जाए। इसलिए सिलिंड्रिकल शेप का ही कंटेनर को ज़्यादातर बनाया जाता है। और कंटेनर को सिलिंड्रिकल बनाने का दूसरा रीज़न ये है कि जब लिक्विड स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के कंटेनर में होता है तो उस लिक्विड का प्रेशर ज़्यादातर उसके कॉर्नर्स पे पड़ता है, जो फोर कॉर्नर्स होते हैं उस पे ज़्यादातर लिक्विड का प्रेशर पड़ता है। तो जिस कॉर्नर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेंगे उस कॉर्नर पे टैंकर के फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वहीं सिलिंड्रिकल शेप के कंटेनर में जो उसका शेप बिल्कुल एक सर्कुलर शेप में है तो उसमें प्रेशर जो होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है और हर एक पार्ट पे इक्वल प्रेशर लगता है, जिसके कारण टैंकर के फटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और यही एक और रीज़न है कि लिक्विड के कंटेनर को ज़्यादातर सिलिंड्रिकल बनाया जाता है। लिक्विड कंटेनर के सिलिंड्रिकल बनाने का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि जो लिक्विड के जो थोड़े बहुत डस्ट होते हैं और कचड़े होते हैं वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप वाले कंटेनर में कॉर्नर पे जमने के उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं उन डस्ट के, और उन्हें साफ़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वहीं सर्कुलर और जो सिलिंड्रिकल शेप के जो कंटेनर होते हैं उनमें डस्ट ऐसे जमने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो तो एक रेगुलर शीट से बनी हुई है, उनमें तो कोई जॉइंट है ही नहीं और ना तो कोई कॉर्नर्स हैं। तो ये भी बेनिफिट हमें मिलता है लिक्विड के कंटेनर में सिलिंड्रिकल बनाने से। तो फ्रेंड्स, ये थे 2-3 रीज़न लिक्विड कंटेनर के सिलिंड्रिकल बनाने का। तो थे ना अमेजिंग फैक्ट्स? तो आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स कैसे लगे हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या होने वाला है? तो आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ये बताना है कि क्यूब और क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं। हाँ फ्रेंड्स, घन और घनाभ के कितने फलक होते हैं? तो जल्दी जल्दी अपना आंसर्स कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, 2 गज की दूरी, लेकिन पढ़ाई भी है ज़रूरी, साथ ही साथ मास्क भी है ज़रूरी। थैंक यू।